हेलो बच्चों, आज का ये चैप्टर है मधोबी द यंग स्प्रिंग फ्लावर। ये चैप्टर है गुलमोहर बुक का, क्लास 7th का। ठीक है, पहले हम मीनिंग्स देख लेते हैं। स्प्रिंग फ्लावर, द फ्लावर दैट ब्लूम ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, जो कि अप्रैल और मई में उगते हैं। फिर इन रश टू लीव, मतलब जब किसी को जल्दबाजी रहती है किसी को छोड़ने की, तो द रश टू लीव। फिर है प्लीड, मतलब बैग करना, रिक्वेस्ट करना। सडन वेव ऑफ स्प्लेंडर, व्हेन मधुबी फ्लावर ब्लूम दे डू सो इन रोज ऑफ ब्रांचेस बंचेस एंड लुक मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मतलब बहुत एट्रैक्टिव। और थ्रोंग अराउंड, थ्रोंग अराउंड मतलब द लीव्स क्राउड अराउंड द फ्लावर। ठीक है, ये चैप्टर है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो देखिए, जैसे मधुबी एक ये फ्लावर का जो होता है, इसके ये हमेशा एक ऐसे झुंड में उगते हैं, और इनके जो जो नीचे की जो ये स्टेम जैसा होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, बाकी फ्लावर्स के छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐसे कलरफुल होते हैं, एक ही कलर के नहीं होते, ऐसे शेड में होते हैं, पिंकिश व्हाइट ऐसे शेड में एक साथ होते हैं। ठीक है, मधोबी द यंग स्प्रिंग फ्लावर, इसमें ये बताया है कि मधोबी जो है स्प्रिंग के सीजन में उगने वाला फ्लावर है, जो अप्रैल और मई के बीच का टाइमिंग होता है उस समय ये उगते हैं। इज इन रश टू लीव, वो बहुत जल्दबाजी में है हमें छोड़ने के लिए। क्यों क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि मधुबी फ्लावर बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उगते हैं और फिर गिर जाते हैं। एज सून एज इट अराइव, जैसे जितना जल्दी वो आए उतना ही जल्दी वो छोड़ के जाने के लिए करते हैं। इन अ सडन वेव ऑफ अ स्प्लेंडर, सडन वेव ऑफ स्प्लेंडर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको नीचे दिया है, सडन वेव ऑफ स्प्लेंडर मतलब व्हेन मधुबी फ्लावर ब्लूम दे डू सो इन अ रो एंड द बंच एज लुकिंग, मतलब उनका जो वो बंच होता है वो बहुत ही सुंदर दिखने वाला होता है। ठीक है, इन अ सडन वेव ऑफ अ बंच स्प्लेंडर, जो वो एकदम झोंका जो चलता है, हवा का जो वेव होता है उससे वो फ्लावर बहुत ही सुंदर दिखता होता है। नो नो क्राई आउट द लीव्स, और जैसे ही वो हिलने लगता है तो लीव्स को लगता है कि वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो लीव्स क्या बोलती है? लीव्स बोलती है, नहीं नहीं तुम नहीं जाओ हमें छोड़कर। विस्परिंग प्रोटेस्ट, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए विस्पर करती है, धीरे से बोलती है उनको। एंड द स्टार्स इन हेवन एक्सक्लेम, और जो आकाश में जो स्टार्स हैं वो उनको बोलते हैं, वॉन्ट यू हरी अलोंग, क्या तुम कहीं जल्दी जल्दी नहीं है आने की? वी नीड यू सो, हमें भी तुम्हारी जरूरत है। बट द लीव्स इन सर्कल द ब्लॉसम, लेकिन लीव्स क्या करती है? लीव्स उनके चारों तरफ, फ्लावर के चारों तरफ झुंड डाल देती है एंड उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप हमें छोड़कर मत जाओ। द सदर्न ब्रीज ब्लो पास्ट, सदर्न ब्रीज मतलब जो साउथ साइड की जो हवा है, ब्रीज मतलब हवा, उस हवा को वो हवा बोलती है कि नहीं, जब सदन हवा जब पास हो जाती है एंड मरमर, और वो पास होते हुए बोलती है कम विथ मी लिटिल वन, मतलब जब वो फ्लावर के पास से वो सदन हवा जाती है तो वो धीरे से फूलों को बोलती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ। फार अवे द इन्फेंट ब्लू सिंक्स इन टू द ट्यूलाइप, मतलब मैं तुमको वहां जहां पर ट्यूलाइट है, जहां पर चमक है, मैं उतना दूर तुमको लेकर चली जाऊंगी। द नाइट ऑफ फुल मून रिसीड्स, जो जो रात थी वो पूरे चंद्रमा से, चंद्रमा की चांदनी से भरी हुई थी। नो टाइम लेफ्ट फॉर अस माई डियर, हमारे लिए पीछे समय नहीं बचा है। नो प्लीज नो, नहीं मत जाओ। विस्पर द डांसिंग लीव, और जैसे हवा चलती है वैसे वो लीव्स क्या होती है, झूमती है ना, तो वो ऐसा लगता है जैसे लीव्स डांस कर रही है। एज दे थ्रोंग अराउंड द डिसअपेयरिंग फ्लावर, और वो वैसे ही उनके
चारों तरफ, थ्रोंग अराउंड मतलब लीव्स जो है पूरा उन फ्लावर के चारों तरफ झुंड बनाकर उन फ्लावर को छुपा देती है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।